अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाहरुख खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप सबको चांद रात मुबारक हो, बल्कि ईद मुबारक हो, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया है अब। और मैंने भी जाना है बाज़ार ईद की नमाज़ के लिए, मैंने कपड़े लेने हैं क्योंकि मैं कुछ टाइम से बिज़ी था। तो चलते हैं, पहले जानवर देखते हैं क्योंकि आज चांद रात है और टाइम भी मेरे पास बहुत कम है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कराची की रौनकें। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कल सुबह आप कुर्बानी करेंगे अल्लाह की राह में। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं और किसी से कुछ मांगते नहीं हैं वो लोग। तो ये आपने देखना है अपने आसपास, वो हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो उन लोगों तक आपने गोश्त पहुंचाना है जो लोग मुस्तहिक होते हैं, कुर्बानी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो आज चांद रात है, उसके बाद ये सब रौनकें ख़त्म हो जाएंगी और बहुत याद आएंगे ये दिन। माशाल्लाह से सब जानवर आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं इस टाइम। बस कुछ ही दिन रहते हैं हमारे साथ जानवर और इतनी इनसे मोहब्बत हो जाती है कि इनको छोड़ने का दिल नहीं करता। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जानवर हैं तमाम, और अल्लाह पाक कुर्बानी कबूल करे। और ये चेक करें आप, सबसे प्यारा जानवर है यहाँ पर ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका आप वेट चेक करें। और अभी ये बैठा हुआ है वरना मैं आपको दिखाता। माशाल्लाह बहुत हाइट है इसकी। और ये ऊँट भी देखने आ रहे हैं बच्चे यहाँ पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप तक तमाम वीडियोस पहुंचती रहें। और चलते हैं, आपको और जानवर दिखाता हूँ। सबसे मासूम ये बकरे होते हैं, कुछ भी नहीं कहते, अपना आराम से बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं। और इसकी आप सींगे देखें, माशाल्लाह से बहुत प्यारा बकरा ही है। और बच्चे यहाँ पर अपने बकरे घुमा रहे हैं क्योंकि उनको पता है बस आज की रात है, तो इसीलिए ये लोग बाहर लेकर आए हैं और उनको घुमा रहे हैं, अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। तो जानवर को देखने से अंदाज़ा हो जाता है कि उस पर कितनी मेहनत की गई है, उसको कितने प्यार से पाला गया है, जैसे कि ये जानवर है। तो यहाँ पर मौजूद तमाम जानवर माशाल्लाह से बहुत ही मासूम हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ डॉल्मेन मॉल, और मैंने रास्ते से कुछ सामान लेना था तो वहाँ से डॉल्मेन मॉल ही करीब था, और शुक्र है आज ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं था। तो आज पार्किंग का भी इशू है, बेसमेंट वन फुल हो चुका है, अब बेसमेंट टू में जा रहे हैं। तो चांद रात की भी अलग ही रौनक होती है, और कराची में तकरीबन रात भर ही सब खुला होता है, लोग बाहर होते हैं। तो खैर चलते हैं, टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर देखता हूँ ईद की नमाज़ के लिए कोई शलवार कमीज़ या कुर्ता मिल जाए। मुझे चाहिए कुछ डार्क ब्राउन कलर का कुर्ता, क्योंकि वाइट कुर्ता मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ लास्ट ईद पे। तो मैंने ये कुर्ता ले लिया है और ये मैंने ट्राई किया था तो सब कुछ ठीक था। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात बल्कि ये है कि ये मुझे 35% ऑफ में मिला है, कलर भी इसका अच्छा है। तो जिस काम के लिए मैं आया था वो हो चुका है। तो अब चलते हैं। तो यहाँ पर मौजूद है मेरी फेवरेट पेशावरी चप्पल, और मेरे पास पेशावर से मैं लेकर आया था जो ब्लैक कलर में है, दो तीन है मेरे पास ब्लैक कलर में, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कोई और सा कलर जो अच्छा सा हो। तो ये मेरा ही साइज़ है और ट्राई करते हैं, बिल्कुल ठीक आ गई है। तो ये शर्ट मैंने ली है और इसको ट्राई करके देखते हैं साइज़ का इशू ना हो। और इस शर्ट के साथ मुझे ये वाइट शर्ट भी अच्छी लग रही है। तो मैं आ गया हूँ मिर्चिली, वन ऑफ़ द हाइजेनिक प्लेस टू हैव स्ट्रीट फूड इन कराची। तो मिर्चिली का सबसे फेमस ये इंडियन स्टाइल गप्पा घोटाला है जो बहुत ही फेमस है। इसके अंदर दही बड़े होते हैं, चना चाट होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आप देख सकते हैं बहुत मज़े का होता है ये। तो सारे काम हो चुके हैं और अब चलते हैं वापस, क्योंकि आज की रात सारे लोग अपने जानवरों के साथ गुजार रहे हैं तो हम भी चलते हैं। तो आज काफ़ी रश था डॉल्मेन मॉल में और फूड कोर्ट भी ऑलमोस्ट फुल था, तो भूख भी लग रही है। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं रास्ते में कोई खाने की जगह। तो इस रेस्टोरेंट का नाम है प्रांजो और इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। और डॉल्मेन मॉल से बहुत करीब था ये, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया, रास्ते में ही था बिल्कुल। तो चलते हैं अंदर।
रात के 12 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं तालिक रोड पर कितनी रौनक है। तो मैं आ गया हूँ सियालकोट बेकरी। सियालकोट बेकरी के चने के बिस्किट हैं जिसके लिए यहाँ पर आना होता है, बहुत मज़े के होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में।